जो बदतमीजी अरविंद केजरीवाल ने की है, जो डर है उनको इस फिल्म के द्वारा दिखने वाले सच से, और ये सच कश्मीर का भी है, ये सच ताहिर हुसैन का भी है, ये सच खालिद सैफी का भी है, ये उमर खालिद का भी है, ये केजरीवाल का भी सच यही है। फिल्म का एक भी सीन बता दे कौन सा झूठ है और केजरीवाल की बस की है तो रोक ले पोस्टर लगाने सर। मगर बात कही जा रही है कि डिस्क्लेमर में ही लिखा है कि तथ्यों के आधार पर जो है ये आधारित जो इतिहास से रिलेट नहीं की गई है, तो इस डिस्क्लेमर में ही लिखा हुआ है। इस फिल्म के कलाकारों के नाम बदले गए हैं, डिस्क्लेमर में ये लिखा है। इस फिल्म के दिखाया हुआ एक एक दृश्य आज डॉक्यूमेंटेड है, या तो न्यूज़पेपर में छपा हुआ है या उसका कोई वीडियो डॉक्यूमेंटेशन है, जो नरसंहार दिखाए गए हैं, चाहे वो जज साहब के मर्डर का इसमें जो दिखाया गया है, चाहे वो जो 24 कश्मीरी पंडितों को हत्याकांड है वो जो नरसंहार दिखाया गया है, पलायन के बारे में जो दिखाया गया है, जेनोसाइड के बारे में जो दिखाया गया, एक एक चीज़ वेल डॉक्यूमेंटेड है। राधिका मेनन का जो कैरेक्टर है JNU के अंदर, वो कैरेक्टर डॉक्यूमेंटेड है। अरुंधति रॉय का जो कैरेक्टर है वो डॉक्यूमेंटेड है। बिट्टा कराटे का जो इंटरव्यू है वो डॉक्यूमेंटेड है। तो झूठ कहाँ पर है? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़, और इस वक्त मैं दरियागंज के दिलाई सिनेमा मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है द कश्मीर फाइल, जो काफ़ी चर्चा में है, टैक्स फ्री कर दी गई है पूरे भाजपा द्वारा, और भाजपा शासित जो राज्य है वहाँ पर टैक्स फ्री की गई है। लोगों का कहना ये भी है कि दिल्ली में इसे टैक्स फ्री नहीं किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और वो टैक्स फ्री नहीं कर रही है। और यहाँ पर अभी मैं बता दूँ आपको डिलाइट सिनेमा में क्यों भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी जो है वो आए हैं, उन्हें जो है ये मूवी दिखाई गई है। कपिल मिश्रा जी यहाँ पर आए थे और मनोज तिवारी जी भी यहाँ पर भाजपा सांसद है वो आए थे, और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं पूरा जलसा खड़ा हुआ है हिंदू इकोसिस्टम का। इस फिल्म में सच है, वो सच जो भारत के बॉलीवुड ने और भारत के जो लिटरेचर माफिया इसने हमेशा छिपाया है, जो भारत के मीडिया ने भी छुपाया है, भारत की राजनीति ने भी छुपाया है, वो सच विवेक अग्निहोत्री जी की इस फिल्म में देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश को जिहाद का सच, कश्मीर के हिंदुओं का सच पता लग रहा है, और आगे दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो इसलिए भी ये देखना जरूरी है। सर एक बात बताइए, जहां अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर देशभक्ति और राष्ट्रहित के बारे में है अगर ये फिल्म, तो बार बार ये बात हो रही है कि फ्री बस देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, पानी देते हैं, टैक्स फ्री की बात नहीं करते हैं, लेकिन टैक्स फ्री को लेकर उन्होंने बहुत हंसी मजाक और चुटकी की, और आपने भी शेयर किया अपने सोशल मीडिया पे, क्यों यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते इस फिल्म को? नहीं, हंसी मजाक नहीं किया केजरीवाल ने, बदतमीजी की है जी। और मेरे को लगता है कि केजरीवाल ये बदतमीजी करेंगे क्योंकि उनकी हंसी नहीं थी, उनका डर था। ताहिर हुसैन को पालने वाले लोगों को कश्मीर फाइल से डर लगेगा, और वो डर आज केजरीवाल की आंखों में दिखाई दे रहा है। तो क्या वजह है कि वो फिल्म को फ्री नहीं कर रहे, टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे? नहीं, फ्री करें या ना करें पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, लेकिन जो बदतमीजी अरविंद केजरीवाल ने की है, जो डर है उनको इस फिल्म के द्वारा दिखने वाले सच से, और ये सच कश्मीर का भी है, ये सच ताहिर हुसैन का भी है, ये सच खालिद सैफी का भी है, ये उमर खालिद का भी है, ये केजरीवाल का भी सच यही है। तो इसी कारण उनकी ये बदतमीजी दिख रही है। बंगाल के अंदर जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, और मुझे लगता है कि भारत की सत्ता, भारत की राजनीति, भारत का मीडिया, भारत की ज्यूडिशरी, इन्होंने अगर आज असाधारण रूप से बंगाल में हो रहे अत्याचार का प्रतिकार नहीं किया, तो सच में कल बंगाल फाइल, दिल्ली फाइल, केरला फाइल यही देखने को मिलेंगी। सर, आपकी सरकार बिल्कुल चुप क्यों है, खामोश क्यों है? 32 साल पहले भी सरकार खामोश थी, आज बंगाल में नरसंहार हो रहा उस पे भी खामोशी है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार खामोश रहेगी, मुझे लगता है कि जो कश्मीर में नहीं किया गया बंगाल में सरकार के द्वारा वैसे कदम उठाए जाएंगे कि अत्याचारियों को समझ में आएगा कि ये कश्मीर 1989 वाला, 90 वाला भारत नहीं है। बार बार इस फिल्म को बैन कराने की बात की जा रही है, क्या वजह है कि फिल्म को बैन कराने की बात की जा रही है? वही लोग बैन कराने की बात कर रहे हैं जिन्हें सच से डर लगता है। ऐसा क्या सच है जो छुपना चाहिए सर? ये वो सच है जो छुपाया गया 30 साल, ये वो सच है जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुआ, ये वो सच है जो विभाजन के समय हुआ, ये वो सच है जो 100 साल पहले मोपला में केरला में हुआ, ये वो सच है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, ये वो सच है जो दिल्ली में ताहिर हुसैन ने करने की कोशिश की, ये वो सच है जो कर्नाटक में दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के कोटा में फिल्म को रोकने के लिए, बैन कराने के लिए धारा 144 लागू कराया गया, सोशल मीडिया रोका जा रहा है, क्या डर है उनको कि राजस्थान के कोटा में धारा 144 लागू करना पड़ गया? कांग्रेस के पाप, अब्दुल्लाओं के पाप, मुफ्तियों के पाप सामने निकलेंगे तो कांग्रेस की सरकारें रोकने की कोशिश करेंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, 230 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस मूवी को मिल चुका है, और सारा देश और सारी दुनिया देख रही है। लगातार
बार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। आज अरविंद केजरीवाल हंस रहे थे, कह रहे थे कि विवेक अग्निहोत्री को यूट्यूब पर फिल्म डाल देनी चाहिए। देखिए, केजरीवाल हंस नहीं रहे थे, केजरीवाल बदतमीजी कर रहे थे। केजरीवाल लगभग हर महीने में एक फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए ट्वीट करते हैं, भाषण देते हैं, खुद देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए ऐसी बदतमीजी क्यों की? इसलिए क्योंकि इस फिल्म में जो सच दिखाया जा रहा है वैसा ही सच ताहिर हुसैन ने करने की कोशिश की थी, जिसको केजरीवाल ने पाला था। उमर खालिद के साथ खड़े थे, शाहीन बाग के साथ खड़े थे। केजरीवाल को लोग ये फिल्म देखें इससे डर लगता है और इसीलिए इस प्रकार की बदतमीजी कर रहे हैं। वो हंसी में उनका डर है, ये कह रहे हैं कि झूठी फिल्म में फोटो पोस्टर तक नहीं लगने देंगे। फिल्म का एक भी सीन बता दे कौन सा झूठ है, और केजरीवाल की बस की है तो रोक ले पोस्टर लगाने से। सर, मगर बात कही जा रही है कि डिस्क्लेमर में ही लिखा है कि तथ्यों के आधार पर जो है ये आधारित जो इतिहास से रिलेट नहीं की गई है, तो इस डिस्क्लेमर में ही लिखा हुआ है। इस फिल्म के कलाकारों के नाम बदले गए हैं, डिस्क्लेमर में ये लिखा है। इस फिल्म के दिखाया हुआ एक एक दृश्य आज डॉक्यूमेंटेड है, या तो न्यूज़पेपर में छपा हुआ है या उसका कोई वीडियो डॉक्यूमेंटेशन है। जो नरसंहार दिखाए गए हैं, चाहे वो जज साहब के मर्डर का इसमें जो दिखाया गया है, चाहे वो जो 24 कश्मीरी पंडितों को हत्याकांड है वो जो नरसंहार दिखाया गया है, पलायन के बारे में जो दिखाया गया है, जेनोसाइड के बारे में जो दिखाया गया, एक एक चीज़ वेल डॉक्यूमेंटेड है। राधिका मेनन का जो कैरेक्टर है JNU के अंदर, वो कैरेक्टर डॉक्यूमेंटेड है। अरुंधति रॉय का जो कैरेक्टर है वो डॉक्यूमेंटेड है। बिट्टा कराटे का जो इंटरव्यू है वो डॉक्यूमेंटेड है। तो झूठ कहाँ पर है? झूठ तो 30 साल बेचा गया है, ये फिल्म तो सच दिखा रही है। सर, अभी फिर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों के लिए स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इन लोगों ने उसी वेदना को, उसी पीड़ा को देखा है, सहा है, और इसके कारण इनका भी पलायन हुआ है। ये भी पलायन करके आए हुए लोग हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई फिल्म बनती है जिससे इनका सीधा जीवन जुड़ा हुआ है, वो इनके साथ देखने के लिए हमने स्क्रीनिंग की। फारूक अब्दुल्ला जिस दिन सच में आईना देखेंगे उन्हें खुद से नफरत हो जाएगी। मगर सर एक सवाल कि रेवाड़ी में जो भाजपा नेता है उन्होंने जो है टैक्स फ्री फिल्म को टैक्स फ्री तो कर दिया गया है, तो उन्होंने प्रोजेक्टर के थ्रू जो है लगाने के लिए फ्री में दिखाने की बात कही, पर उनको वार्निंग दे दी विवेक अग्निहोत्री ने, ऐसा क्यों? जबकि राष्ट्रीय हित में फिल्म बनी है, लोगों के जन जन तक पहुँचनी चाहिए, प्रोजेक्टर के पहुँच रही है, देश में रिकॉर्ड तोड़ लोग जाके देख रहे हैं। भाजपा नेता को वार्निंग दे दी उन्होंने, क्योंकि गैरकानूनी तरीके से दिखा रहे थे। फिल्म हॉल में जाकर ही देखनी होगी, गैरकानूनी स्क्रीन, कोई भी गैरकानूनी काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। सर एक सवाल और, ये जो मुस्लिम है, जो मुस्लिमों ने संहार किया था हमारे कश्मीरी पंडितों पे, तो अब जो है मतलब क्या सीधे तौर पे, सीधी मोटा मोटी मैं अगर बता दूं तो कि मुसलमानों को इस देश से निकल जाना चाहिए। किसने कहा ये बात? किसने कहा ये बात? लोग अपनी अटकलें लगा रहे हैं, कोई भी नहीं कह रहा ये बात। थैंक यू सर। जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी हमारे साथ कपिल मिश्रा मौजूद थे, जिन्होंने अभी अपनी सारी बयानबाजी दी है, बात की है कश्मीरी फाइल पे। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिलाइट सिनेमा, जो दरियागंज दिल्ली गेट पे मौजूद है, और वहाँ पर कपिल मिश्रा जी आए थे और यहाँ पर मनोज तिवारी जी भी आए थे, पर अभी दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ पर जो हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं उनको मूवी दिखाई गई है, तो उन्हीं लोगों से हम जो है बात कर रहे हैं और जान रहे हैं। और आप सब सामने पूरा जलसा देख सकते हैं, पूरा हिंदू इकोसिस्टम देवो दुर्लभ घातकम यहाँ पर पूरा जो है दिखाया गया है इनके द्वारा। और ये कह रहे हैं कि देश हित में, जो राष्ट्रीय हित में फिल्म है उसको टैक्स फ्री किया है, और जिस तरीके की अटकलें लग रही हैं फिल्म को लेकर वो तो आप लोग भी जानते हैं। बाकी अभी हम बात करते रहेंगे रिव्यू के बारे में भी, जो लोग आए हैं हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से उनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जनेंद्र चावला। जनेंद्र चावला जी, जैसे कि द कश्मीरी फाइल काफ़ी चर्चा में आ रही है और बताया जा रहा है कि इसमें राष्ट्रीय हित और देश के जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ जो संहार किया गया है, वाकई में वही इतिहास दोहराया गया। अभी आप जो है फिल्म देख कर आ रहे हैं? हाँ जी फिल्म देख के आ रहे हैं। ऐसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी है, बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है, दिल को छू लेने वाली फिल्म है, बिल्कुल मन को छू लेने वाली फिल्म है। सर इससे पहले भी जो इतिहास से रिलेट बनी है फिल्में, उसमें भी संहार की बातें और संहार का इतिहास दिखाया गया है इस तरीके से, क्या उन फिल्मों ने मन को नहीं छुआ आपके? जो संहार हुआ है मन को तो छुआ है, लेकिन ये जो कश्मीर भाइयों के साथ हुआ है ये एक वो दर्द है जो हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता है, ये अत्याचार बढ़ जाता है, ये इस अत्याचार को आगे रोका जाना चाहिए। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है,
वहाँ उन पर अत्याचार किया जाता है। जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहाँ हम तो उन पर अत्याचार नहीं करते, हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते आए हैं। क्या हम गलत है? हमने शुरू से नारा दिया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या उनकी तरफ से ऐसा नहीं होता हिंदू मुस्लिम भाई भाई? क्या ये सिर्फ हिंदू बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई? क्या ये मुसलमान नहीं बोल सकते अपने मुँह से हिंदू मुस्लिम भाई भाई? ये जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ये दोनों तरफ से होना चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। अगर अत्याचार बंद नहीं होगा तो हम इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे और इसी माध्यम से पूरे देश को जगाते रहेंगे। सर, मगर जो हिंदू मुस्लिम की आप बात कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम भी हिंदुओं के लिए प्रति जो है अपनी इस तरीके की सौहार्द रखते हैं, पर जो है इस फिल्म को नफरत ही बताया जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है मुस्लिमों के लिए, तो इस तरीके का लोग अटकलें लगा रहे और लोग बोल भी रहे हैं, सोशल मीडिया पूरा अटा पड़ा है इन चीज़ों से। सत्य छुपता नहीं है, सच दिखाया गया है। आप इसे भले नफरत करें भले कुछ कहें, ये सच्चाई है, ये एक जीवन की सच्चाई है जो दिखाई गई है। जो मुस्लिम भाइयों ने दर्द दिया है हमारे हिंदू भाइयों को, वो दर्द दिखाया गया है। जो कश्मीरी भाई दर्द सह के आए हैं, एक बात बताइए, आप सभी आज यहाँ अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं दुकान में 12-12, 15-15 घंटे काम करें, किस लिए मेहनत कर रहे हैं? कल आपने यही मकान छोड़ने हैं क्या? उन कश्मीरी भाइयों से पूछिए जिन्होंने बहुत मेहनत करके वहाँ अपने घर बनाए थे। हमारे भी एक मित्र हैं, वो कश्मीरी भाई है, वो अपना दर्द बताते हैं, उनकी मदर है, मैं उनसे मिलने जाता रहता हूँ, वो बात करते करते रो पड़ती है, उनका दर्द देखा नहीं जाता, जिस हिसाब से उनकी आंखों में आंसू आते हैं। क्या हम इसीलिए सारे हिंदू मेहनत कर रहे हैं? पहले मेहनत करो, सब कुछ करो, बाद में सब छोड़ दो। बिजनेस से एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है सर, कि विजय जो विवेक अग्निहोत्री है, लगातार लोग जो है ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं उनके कमेंट्स पे कि वो लगातार जो है 100 करोड़ की बधाइयां दे रहे हैं, 180 करोड़ उन्होंने कमाई कर ली है, बिजनेस किया गया है, सारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है बिजनेस किया गया इस फिल्म में, ऐसा बोला गया है? ये कोई बिजनेस नहीं है, आपने शायद पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ी या फिर पूरा नहीं है। विवेक अग्निहोत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि इस मूवी से आने वाली कमाई की एक एक पाई कश्मीरी भाइयों को दोबारा से कश्मीर में स्थापित करने में लगाई जाएगी। तो उन्होंने कमाई की है 180 करोड़, क्या वाकई में कश्मीरी पंडितों के लिए ही लगाई जाएगी, उनके कल्याण में लगाई जाएगी? उनके जो विस्थापित हो गए हैं उनको दोबारा स्थापित करने में उनकी कमाई लगाई जाएगी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। एक बात और मैं बता दूं, अगर आप जब जो भाजपा के जो जितने भी शासित राज्य हैं उन्होंने वहाँ टैक्स फ्री फिल्म की है, वहीं रेवाड़ी के जो है बिट्टू करके जो भाजपा नेता है उन्होंने जो है फ्री में फिल्म दिखाने की बात की है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मगर उन्हें वार्निंग दे दी विवेक अग्निहोत्री ने, ऐसा क्यों किया जबकि राष्ट्रीय हित की बात की है उन्होंने? तो ये उनका पर्सनल मैटर है, क्या पर्सनल मैटर कैसे हो गया सर, इस वजह से वार्निंग दी है क्या नहीं है, उनका क्या मैटर रहा है, ये तो उन दोनों का अपना पर्सनल मैटर है। सर, ये पर्सनल मैटर तो नहीं है ना, क्योंकि भाजपा नेता द्वारा ही जो है उसको टैक्स फ्री किया गया, बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रीय हित में बनी है मूवी, उसको फ्री क्या चौराहों पर और पार्कों में भी दिखाना चाहिए। ये भाजपा नेता द्वारा टैक्स फ्री, ये आप गलत शब्द बोले, ये है कि राज्यों द्वारा टैक्स फ्री किया गया है, कई राज्यों ने इसको टैक्स फ्री किया है, तो ऐसे में अपनी तरफ से अपने पर्सनल तरफ से ऐसे इसको टैक्स फ्री जो ना करके इसको फ्री में दिखाने से उनका मकसद यही है कि कहीं से कोई दंगा ना भड़क जाए, कोई और दिक्कत ना हो जाए, थोड़ा सा कानून को और सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इस वजह से हो सकता है टैक्स वार्निंग दे दी गई हो, जो ये मेरी पर्सनल राय है। पर सर, दंगा कैसे भड़केगा, क्योंकि राष्ट्रीय हित में फिल्म है, ये उस तबके तक भी पहुंचेगी जो मजदूर तबका है, वो सिनेमा हॉल के टिकट के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे भाजपा नेता कि दिखा रहे थे प्रोजेक्टर के थ्रू। हाँ, काम उनकी तरफ से अच्छा था, लेकिन हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई ना कोई रीजन रहा हो, अब रीजन का हम बता नहीं सकते, जो उन्होंने वार्निंग दी है वो तो आगे वक्त आने पर ही क्लियर होगा। अभी हमने जो है बात की है हिंदू इको सिस्टम के ही ये थे, उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है इतिहास और रुला देने वाली फिल्म है उसी का जो है इतिहास बताया है। अभी और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम मैम संतोष पाठक। संतोष पाठक जी, मूवी देखी आपने? हाँ जी बिल्कुल। कैसी थी मूवी? मूवी बिल्कुल अच्छी थी और हकीकत बयां कर रही है। हकीकत बयां कर, बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके की हकीकत बयां कर रही है, क्योंकि जो है उसके डिस्क्लाइमर की बात की जा रही है कि उसके डिस्क्लाइमर में है जो तथ्यों को जो है बोला गया है कि उसके
वो उसे भेद नहीं करता है, तथ्यों के आधार पर उस तरीके से नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो किरदार थे वो लिए गए हैं, बिट्टा कराठे जैसे और भी जो है मैनन मैनन करके जो है उनके किरदार लिए गए हैं, बाकी तो चीज़ें हैं, बाकी इतिहास से छेड़छाड़ की है ऐसा लोगों की अटकलें हैं, लोग कह रहे हैं। मैडम देखो क्या यहाँ पर जो बेसिकली जो दो तीन ही किरदार दिखाए गए हैं, बट अगर हकीकत में आप जाओगे तो बिट्टा कराटे और इन लोगों के इन लोगों की तरह से हजारों किरदार रहे होंगे वहाँ पे, ये चीज़ आप समझिए, हजारों किरदार रहे होंगे जिसमें से मात्र 1-2% एक दो किरदारों को ही दिखाया गया है। मेरे ख्याल से अगर सारे किरदारों को ला करके जनता के सामने रखेंगे ना तो लोग मूवी देख नहीं पाएंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गलत वो बनी है, आप ये चीज़ भूल जाओ कि गलत बनी है। क्या 90s में किसी भी बंदे को ये पता नहीं वहाँ पे ये हुआ था नहीं हुआ था? अगर हुआ था तो बिल्कुल सही घटना है, इस तरह की केसेस जो है छुटपुट जो है लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ही आता था, वही चीज़ें पर्दे पे दिखाई गई हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और मेरे ख्याल से सारे हिंदू भाइयों सबको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि जो पीछे हुआ था उसके लिए तो देखना ही चाहिए, इसके लिए भी देखना चाहिए कि इस तरह की साजिशें होती हैं। सर बात तो ये भी उठ रही है कि अनुपम खेर जो है 1950 में ही जो कश्मीर को छोड़कर चले गए थे और ये दंगा हुआ था तब और नरसंहार हुआ था 1990 में, तो अटकलें तो और बातें तो ये भी उठ रही हैं, यानी कि कश्मीरी पंडित नहीं है वो, यानी कि झूठ बयां कर रहा है, यानी कि बिजनेस का काम किया जा रहा है। मैडम बिजनेस की बात इसमें नहीं है, आप ये चीज़ समझिए वो एक एक्टर हैं, आप ये भूल जाइए कि वो कोई क्या कोई 90s के बाद का पैदा हुआ कोई एक्टर इसमें अगर काम कर रहा है तो उसका उसको तो एक रोल दिया गया बेसिकली, ठीक है ना, उसको तो रोल दिया गया है, छोटे से बच्चे का रोल दिया गया। अब आप ये कहोगे कि वो तो रोल दिया गया पर वो कश्मीरी पंडित भी बता रहे हैं। समझ गया, किसी 10 साल के बच्चे का रोल दिया गया, आप कहोगे कि 90s में ये तो था नहीं, ये कोई जुनून सी बात हुई क्या? बिल्कुल गलत, कहने वाले हमेशा से कहेंगे, बट आप एक्चुअल में देखो 90s में जो केसेज हुए थे वो बिल्कुल हुए थे, काफ़ी सारे हुए थे और उसी को दिखाया गया यहाँ पे, इसमें कुछ गलत नहीं है। राजनीतिक परिदृश्य में इसको ना देखा जाए, जो जनवन जो हुआ है वो हुआ है, वही चीज़ पर्दे पे दिखाया गया है। सर इतिहास में तो बहुत कुछ घटा है, तो इस तरीके से गोधरा कांड पे भी जो है फिल्म बननी चाहिए। मैम देखो हम लोग तो आम जनता हैं, फिल्म बना जनता का ही रिव्यू जो है बहुत खास होता है और मेन होता है। मैडम क्या है ना कि हम लोग तो पिक्चर बनाते नहीं है, लेकिन क्या है ये उन लोगों को देखना चाहिए कि गोधरा पे बनाए और बाकी चाहते हैं कि बननी चाहिए। मैडम देखो क्या जहाँ जहाँ पे इस तरह का हुआ था वहाँ पे भी किस लिए हुआ था, पूरी बोगी जला दी गई थी, कौन थे उसमें दोषी, उसके बाद में क्या हुआ था, सारा चीज़ सामने आनी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। अब जो है कश्मीरी फाइल्स भी बनने के जा रही है, उस पर आपके क्या विचार है? मैडम देखो क्या सारे बनने चाहिए, कश्मीरी फाइल तो बन गई है, सॉरी मैं जो बंगाल फाइल है वो अब बनने जा रही है। ममता बनर्जी भी कह रही है कि जो है सत्य के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है, इतिहास नहीं दिखाया गया है, सरासर पन्ने जो है गायब किए गए हैं, अब जो है बंगाल फाइल बनेगी। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी जो ये फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं उनको ज़रूर बनाना चाहिए। अभी जैसा कि बंगाल में इस तरह के जो केसेज हुए हैं, अभी कल भी मैं देख रहा था वहाँ के जो घरों के अंदर में बंद करके जनता को मारा गया, जलाया गया है, पुलिस के अधिकारी हैं वो किस तरह से लाशों को इस तरह करके उठा रहे हैं, लग रहा है वो लकड़ी के हो हैं, इस तरह से जल के लोग एकदम सूख गए हैं, तो बिल्कुल बननी चाहिए उनके दोस्त, ये पता चलना चाहिए बेसिकली साजिशें कहाँ से होती हैं, किस तरह से साजिश लोगों के उसमें किया जाता है, बेसिकली ये यहाँ पे देखना, फिल्म का मतलब ये है कि साजिश कौन कर रहा है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए और लोगों को उसके हिसाब से तैयार रहना चाहिए, बेसिकली मेन मूवी देखने का ये है जी। तो अभी जो है इस तरीके से मुस्लिमों के लिए भी बातें उठ रही है कि क्या मुस्लिमों को देश छोड़कर चले जाना चाहिए? मैडम इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी फिल्म से, मैं फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुस्लिमों द्वारा संहार की बात की गई है, मुस्लिमों के द्वारा संहार दिखाया गया है कश्मीरी पंडितों पे, तो क्या मुसलमानों को इस देश से निकल जाना चाहिए? नहीं ये कोई बात नहीं हुई कि उनको निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर वो यहाँ पे हैं तो कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम, सबको तरीके से रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो है तो एक साजिश करे, उनका एक अलग कानून हो, सरिया है वो है ये है कर दो, इस तरह का नहीं होना चाहिए ना। अगर ये कानून है तो कानून सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं उनके लिए, हमको जो कानून बनाना है वो भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे, उनको जो बनाना है मौलवी जी ने जो कर दिया वो बता दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा, एक कानून होना चाहिए देश में बेसिकली, ये चीज़ है।
शरिया तो कोई भी यहाँ पे जो है स्थित नहीं कर रहा है, संविधान की बात वो भी करते हैं, तो क्या मतलब संविधान की धज्जियाँ क्या सारे ये लोग मिलकर उड़ा रहे हैं? मैडम क्या है कि मजाक किया जा रहा है क्या देश? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या होता है जो बेसिकली जो मस्जिदों से जो अनाउंसमेंट या वो सब चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये उन्हीं लोगों ने किया है जो पढ़े लिखे मौलवी थे, वो थे उन लोगों ने अनाउंस किया है कि रातों रात जो है कश्मीरी भाई खाली करके चले जाओ या जो कुछ भी है पंडित खाली कर दो, ये उन्हीं लोगों ने किया है ये सरिया, और उसके हिसाब से ही तो कोशिश किया हुआ है करने के लिए। तो एक वो होना चाहिए, सबके भले की बात है ये चीज़ें। मैम जिस तरीके की अटकलें लग रही है डिलाइट सिनेमा में इस वक्त, और जो डिलाइट सिनेमा में यहाँ पर दिल्ली में जो मौजूद है वहाँ पर मूवी दिखाई गई द कश्मीरी फाइल, अभी उसी से जो है रिलेट हमने जो बात की, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हिंदू इकोसिस्टम के लोग भी मौजूद हैं, और हमने अभी बात की कपिल मिश्रा जी से। नमस्कार।